कहने को तो नाम ज्योति था उनका, मगर ज्वालामुखी थी वह। भारत के भावी इतिहास को प्रभावित करने के लिए 19वें एवं 20वें शतक में 5 महत्वपूर्ण ग्रंथ सार्वजनिक जीवन में अपना विशेष स्थान बना चुके थे। इन बहुचर्चित 5 ग्रंथों में न केवल भारत के सामाजिक जीवन को प्रभावित किया, बल्कि राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में भी खलबली मचा दी। मार्क्स एंगेल्स का सृजन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, ज्योतिराव फूले का ग्रंथ गुलामगिरी 1873, मोहनदास करमचंद गांधी की किताब हिंद स्वराज 1909, वीदा सावरकर की रचना हिंदुत्व 1923, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ग्रंथ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। गौरतलब यह है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में परिलिखित मार्क्स का दर्शन भारतीय साम्यवादी पार्टी ओ का वैचारिक आधार है। हिंद स्वराज एवं हिंदुत्व में परिलिखित दर्शन, उसमें भी खासकर सावरकर का दर्शन भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक आधार है, और गुलामगिरी एवं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में परिलिखित फूले अम्बेडकरी दर्शन बहुजन समाज पार्टी का वैचारिक आधार है। आज इन्हीं ग्रंथों के प्रभाव में भारत के समूचे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में उथल पुथल मचा दी है। ज्योतिराव के विचारों और उनके सामाजिक क्रांतिवाद के दर्शन की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। गुलामगिरी 1873 के अलावा ज्योतिराव फूले की ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। पहले नंबर की रचना है तृतीय रतन नाटक 1855, दूसरे नंबर की रचना छत्रपति राजा शिवाजी भोसले का पवड़ा 1869, तीसरे नंबर की रचना है ब्राह्मणों की चालाकी 1869, चौथे नंबर की रचना है किसान का कोड़ा 1883, पांचवें नंबर की रचना है सत्सार अंक 1 और 2 1885, छठे नंबर की रचना चेतावनी 1885, सातवें नंबर की रचना अछूतों की कैफियत 1885, आठवें नंबर की रचना सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक 1889, नवे नंबर की रचना सत्य शोधक समाज के लिए उपयुक्त मंगल गाथाएं तथा सभी पूजा विधि जून 1887 तथा दसवें नंबर की रचनाएं खंडादि काव्यल रचनाएं, और उनकी इन ग्रंथ संपदा से उनका सामाजिक क्रांतिवाद परिभाषित एवं परिलिखित होता है। और ये भी प्रतिपादित होता है कि कहने को उनका नाम ज्योति था, मगर वे ज्वालामुखी थे। ऐसे महामानव महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 28 अक्टूबर 1954 को पुरेंद्री स्टेडियम मुंबई में भाषण देते हुए कहा कि तथागत बुद्ध तथा संत कबीर के बाद मेरे तीसरे गुरु ज्योतिबा फूले हैं। केवल उन्होंने ही मानवता का पाठ पढ़ाया। प्रारंभिक राजनीतिक आंदोलन में हमने ज्योतिबा फूले के पथ का अनुसरण किया। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन उनसे प्रभावित हुआ। इससे पहले 10 अक्टूबर 1946 को डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे महात्मा फूले को समर्पित कर चुके थे, और समर्पित करते हुए उन्होंने लिखा कि जिन्होंने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया, और जिन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना अधिक महत्वपूर्ण है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फूले की स्मृति में सादर समर्पित। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।